हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, हाइपरटेंशन ऐसी दिक्कतों से निजात पाने के लिए हमें योगिक एक्सरसाइज और योगिक डाइट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मैंने एक्सरसाइज आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दी है और डाइट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो 30% हमारी एक्सरसाइज असर करती है और 70% हमारी डाइट असर करती है किसी भी प्रकार की बीमारी में। तो एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और 10 दिनों तक इस डाइट को फॉलो करने से हाई बीपी में 100% आपको आराम मिलेगा और हाई बीपी कंट्रोल। डाइट में क्या लेना है उसके लिए मैंने आपके लिए एक डाइट तैयार करी है, जिसको आपको लिख लेना है और 10 दिनों तक फॉलो करना है, जिससे कि हाई बीपी पूरा कंफर्म 100% मेंटेन हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है डाइट का हमारा, अपने खाने में नमक कम करें, पैकेट वाली चीज़ों को कम से कम खाएं। दूसरा पॉइंट, पोटेशियम को बढ़ाएं अपनी डाइट में। जैसे कि पोटेशियम कौन सी चीज़ों में होता है, केला, संतरा, एवोकाडो, शकरकंद और टमाटर में पोटेशियम की मात्रा, प्रचुर मात्रा होती है, जिससे कि आप अपने हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, फल सब्जियों का सेवन बढ़ा दें। कौन कौन सी सब्जियाँ, जैसे कि जामुन, पत्तेदार सब्जी, खट्टे फल और शिमला मिर्च, इनका अधिक सेवन करने से हाई बीपी कंट्रोल हो जाता है, शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है। चौथी और मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि साबुत अनाज, फाइबर युक्त आप भोजन करें, जैसे कि गेहूं, ब्राउन राइस और ओट्स। अब डाइट में कुछ सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, इस पर विशेष कर ध्यान दें। तो सावधानी हमें कुछ इस प्रकार रखनी है कि अगर आप शराब या कैफीन का सेवन करते हैं तो इसका त्याग कर दें। अगर आप हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज में हैं तो चीनी का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको मीठा खाने की इच्छा होती है तो मीठे फल या सब्जियों का सेवन करें। तीसरा पॉइंट आपकी सावधानी में तीसरा पॉइंट ये है कि खाने की मात्रा पर ध्यान दें। अगर आप खाने की मात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादा खाने लग गए तो मोटापा बढ़ेगा, इससे भी आपका हाई बीपी पुश होता है और बढ़ेगा। और चौथा पॉइंट है हमारा, ना ज़्यादा पानी पिएं और ना ही कम पिएं, और अधिक जानकारी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका हाइपरटेंशन जो है दूसरी स्टेज में पहुंच चुका है तो डॉक्टर की सलाह जरूर। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।